किसान साथियों नमस्कार। साथियों आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं ये हमारे खेत में आज गेहूं की बुआई चल रही है। और साथियों इस साल थोड़ी हम इस खेत में हमारे खेत में इस वाले खेत में थोड़ी पछती बुआई कर रहे हैं गेहूं की। जैसे अगर देखा जाए तो अभी नवंबर का फर्स्ट और सेकेंड वीक यानी पहला और दूसरा सप्ताह गेहूँ की बुआई के लिए बहुत ही शानदार रहता है। बाकी इस साल थोड़ी पानी की कमी होने की वजह से काफ़ी लोग बोल रहे हैं, काफ़ी सारे किसान भाई बोल रहे हैं कि इस साल गेहूँ ये जो हमारी बुआई हो रही है पछती बुआई हो रही है, नहीं इसको पछती बुआई मानी गई इस साल। बाकी साथियों अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो गेहूँ की बुआई का ये सही समय है नवंबर का पहला और दूसरा सप्ताह या फिर नवंबर का पूरा महीना ही बढ़िया गेहूँ की बुआई के लिए। बाकी इस साल पानी कमी होने की वजह से काफ़ी सारे किसान भाई बोल रहे हैं कि गेहूँ की पछती बुआई हो रही है। ये तो साथियों जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये हमारे 147 जो कि खिरने वाले गेहूँ हैं उसकी बुआई चल रही है। और आज है दिनांक 8 नवंबर 2023 और ये आप सिड्रिल में आप गेहूँ देख पा रहे हैं ये 147। और इसके बाद में अभी एक और वीडियो में आपको साथ में जोड़ूंगा इसमें जो कि शरबती का होने वाला है और शरबती की भी आज ही हमने बुआई की है। तो साथियों अगर आप सूखे में बुआई करते हैं तो आपको बीज की मात्रा लगभग 27-28 किलो या फिर 30 किलो के आसपास हम बीज की लगती है अगर घर का बिजवार आपका हो तो। और अगर हाइब्रिड बिजवारा आप डालते हैं तो उसमें लगभग 20 से 22 किलो बीघे का बिजवारा लगता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये 147 है जो कि हमने इसमें 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसमें बुआई की है। और अभी जो बुआई चल रही है ये लगभग सभी सूखे में ही चल रही है क्योंकि गीले में इस साल पानी की थोड़ी कमी होने की वजह से खेत को गीला करके बुआई नहीं कर रहे हैं। और साथियों ये अभी एक और वीडियो आ रहा है ये इसमें शरबती गेहूँ है क्योंकि इसमें शरबती की हमने साथ में बुआई की है। और इसका वीडियो अलग से बनाया था मैंने, बाकी इसके साथ ही हमने जोड़ दिया है। ये शरबती गेहूँ आप साथ में देख पा रहे हैं। और साथियों इस साल हमने शरबती गेहूँ भी लगाने का ट्राई किया है क्योंकि पिछले साल या फिर हर साल हम 147 और लोकवनी अधिकतम लगाते हैं। इस साल ये थोड़ा नया खेत होने की वजह से हमने शरबती भी ट्राई किया है इस साल। और लोग बोलते हैं कि शरबती की पैदावार कम रहती है, बाकी आगे वीडियो में आपको जानकारी इसकी मिलती रहेगी कि इसकी पैदावार क्या कैसे क्या रहती है, इसमें इसका खाद शेड्यूल और सिंचाई का शेड्यूल कैसे क्या रहता है, तो आपको आने वाले हर वीडियो में इसकी जानकारी मिलती रहेगी। और ये आप गेहूँ देख पा रहे हैं ये शरबती है कि खाने के तौर पे लगाया जाता है और मध्य प्रदेश में इसकी बुआई कम ही की जाती है और अधिकतम ही मध्य प्रदेश में की जाती है, यानी कि सबसे कम भी होती है और सबसे ज़्यादा भी इसकी बुआई की जाती है। बाकी इसका रेट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 तक इसका रेट देखने को मिलता है। तो साथियों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली जानकारी के साथ में, गेहूं की अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय जवान।